देखिए ऐसा है कि शासन और प्रशासन की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। यह वीडियो सत्य और असत्य दोनों घटनाओं पर आधारित है। इस वीडियो के कुछ पात्र काल्पनिक हैं और कुछ वास्तविक हैं। इसे अपने खोपड़िया का यूज करके समझ लें। इसमें यूज किए गए चटपटे वर्ड्स को फन मिले। वीडियो को पूरा देख के लाइक और शेयर करके जाए, वरना पाप लग सकता है। और कमेंट बॉक्स में उल्टा न करें, मजाक को मजाक की तरह लें और एंजॉय करें। तो गाइस आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैंडी जोशी में। ब्लॉगिंग में सफलता ना पाने के बाद हमने सोचा दूसरी नौकरी की तरफ अपनी रुझारू बनते हैं, तो हमें वन विभाग से एक ऑफर आया सांप पकड़ने का। तो आज से तुम्हारा चैनल चेंज हो गया है, उसका नाम हो गया मैंडी जोशी द स्नैक कैचर। वन विभाग की तरफ से उन्होंने कहा कि जाओ सांप आप पकड़ो। तो गाइज हम आ चुके हैं हल्द्वानी शहर में, क्योंकि हल्द्वानी शहर में आजकल हो रही गर्मी और गर्मियों में सांपों का मिलन का टाइम होता है। तो काफ़ी सांप घर में अकेले घुस के बैठ के मिलन कर रहे हैं। तो एक हमारे कस्टमर का फ़ोन आया है। कस्टमर क्या है, मतलब हल्द्वानी में रहते हैं पीलीकोटी में, उनका फ़ोन आया है कि हमारे घर में किंग कोबरा घुस चुका है। तो और आज चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं, किंग कोबरा से रिलेटेड पूरी जानकारी देंगे और उसको पकड़ के अपने साथ ले चलेंगे। और हमारी जो कैमरा टीम है वो पीछे ही है, उसका नाम नहीं बता सकते क्या है, लेकिन हमारी जो कैमरा टीम है वो भी ख़तरनाक है। और सारे इक्विपमेंट्स हमने रख लिए और आज आपको मिलाएंगे हम किंग कोबरा, जो काफ़ी ख़तरनाक सांपों में माना जाता है इंडिया में। तो चलिए उसको पकड़ते हैं, उसका रेस्क्यू करते हैं और उनको मारेंगे नहीं, उनको पकड़ के ले जाएंगे सिर्फ अपने साथ और छोड़ देंगे और उसकी जानकारी आपको फूल देंगे। तो अभी चलते हैं जहाँ से कॉल आया है पीलीकोटी की तरफ। तो चलिए गाइस, जैसे ही हम स्नेक कैच करने के लिए जा रहे थे तो मेरा भतीजा है, ये कह रहा छोटे छोटे सांप मैं पकड़ लूँगा, बड़े बड़े तुम पकड़ लेना। तो ये कह रहा है कि मैं भी चल सकता हूँ। तो अभी तो मैंने देखता हूँ अभी कंडीशन के हिसाब से, अगर फ़ोन आता है कि छोटे मोटे सांप है तो इसको ले जाएंगे अपने साथ। उधर धैर्य था स्नेक कैचर, ये भी एक स्नेक कैचर है, छोटे मोटे सांप पकड़ लेते हैं। तो जब पता करके बताता हूँ कि बड़े सांप है या छोटे सांप, छोटे सांप होंगे तो ले चलेंगे, वरना हम ही जाएंगे अकेले, क्योंकि बड़े सांप देख के डर जाते हैं थोड़े, अभी ट्रेंड नहीं है उतने। पकड़ लोगे छोटे मोटे, पकड़ लोगे छोटे मोटे, पकड़ लो बता दो, बड़े वाले से डर है, हल्का डर है, बड़े वाले से डरते हो? हाँ 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 कह रहे हैं। तो गाइस हम लोग जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और ये हमारी वन विभाग की तरफ से जो हमें गाड़ी हुई है ये है, और हम इसको लेके निकलते हैं। और वहाँ से फ़ोन आ चुका था कि सांप काफ़ी बड़ा है तो हम छोटे स्नेक कैचर को नहीं ले जा रहे हैं, और बाकी मेरी और टीम है वो पीछा हमारा पीछा करेगी अभी, और जो हमारी कैमरा टीम है वो भी हमारा पीछा करेगी। तो गाइज अभी चलते हैं पीलीकोटी साइड को, बार बार फ़ोन आ रहा है कि कोने में चुपक के बैठा हुआ है और डर लग रहा है काफ़ी घर वालों को। तो हम लोग निकलते हैं और सांप पकड़ने की प्रक्रिया पूरी और उसके बारे में जानकारी देंगे, जो जो हमें पता है और जो जो आप लोगों को पता है। तो कीजिए भाइयों, हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में। तो यहीं से फोन आया था, ये आगे भैया, भैया ने फोन कर दिया। आपने क्या रखा था? आधा हमारे घर में सांप आ रखा है। सांप आ रहा है, कैसे किस टाइप का सांप है, मतलब थोड़ा मतलब झटपटा रहा है, देंगे झटपटा रहा है, कोबरा टाइप, कोबरा है क्या? अब मुझे नहीं पता, कहा तो काला है। आइए चलो एक बार देखते हैं भैया क्या कह रहे हैं, किस जगह पे बैठा है सांप, पकड़ते पूरा रेस्क्यू, पूरी जानकारी देंगे हम आपकी सांप की। आओ जल्दी आओ यार, जल्दी आओ, मारोगे के लिए आओगे थे? नहीं, हम लोग एनिमल लवर हैं, हम जानवरों को मारते नहीं हैं, हम उनका रेस्क्यू करेंगे, उन्हें पकड़ के ले जाएंगे, जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अरे जो भी है जल्दी करना। अरे सबसे पहली बात, आइए अंदर आइए, हमारी कैमरा टीम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तब तो सांप पकड़ने से पहले हमारे यहाँ ड्रेस कोड है जो कि जरूरी है उसको पहनना। तो एक बार टिकटॉक के स्टाइल में आपको दिखा देता हूँ ड्रेस कोड हमारा जो चेंज होता है उसके लिए। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, अब चलते हैं नाक की तरफ। कौन सा नाक है पता नहीं, अब कहीं किंग कोबरा ना हो, ब्लैक कोबरा, जो बहुत ही ज्यादा आजकल इनका गर्मियां चल रही है तो इनका मिलन का वो चल रहा है, कहीं कोने में मिलन तो नहीं चल रहा है इनका। तो आइए अभी देखते हैं कौन से कोने में आप बजाएंगे हमें, दीपक जी बताएंगे किस कोने में। यहाँ यहाँ आएगा, आइए फिर आइए। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है, हमें शेर को डरा के दिखा। अरे मैया धोखा देख लिया, ये तो काफी बड़ा है। अरे मोरी मैया, ये तो बहुत ही बड़ा सांप है ये, मैंने तुमको कहा था बहुत बड़ा सांप है। भाई भैया पीछे पीछे को हो जाओ, ये तो यहाँ से थूक ना मार दे, थूक मार देगा ये, थूक दे ना यार, बस काटे ना, वो फुकारे कैसी मार रहे हैं देख तो लो। अरे मोरी मैया, ये तो आ जा, आ आजा, कुत्ता थोड़ी है ऐसा ना, जब तक उसकी गर्दन में डंडा नहीं ठूसूंगा ना तब तक। हम लोग एनिमल लवर है, हम जानवरों को मारते नहीं है, हम उनका रेस्क्यू करेंगे, पकड़ के ले जाएंगे, जंगल में छोड़ देंगे। हम तो एनिमल लवर है, आराम से ले जाएंगे, पीछे पीछे को हट जाते, बहुत खतरनाक लग रहा है मुझे, थोड़ा पीछे पीछे मार दो, चलो
आराम आराम से हमारी रेस्क्यू टीम को भेजो। तो गाइस आ जाओ फटाफट से दिखाओ। ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है मुझे, भयंकर। हल्की से भाई, ये तो खतरनाक ही लग रहा है मुझे कुछ। भाई ये तो खतरनाक ब्लैक हो रहा है। वो पीछे को हट जाओ, पीछे को। आप लोग कोई आगे को बता रहा हूँ पहले, कोई सब पीछे को हट जाओ, पीछे को हट जाओ। पुराने जमाने की कहावत है कि सांप के अगर छेड़छाड़ करो तो वो फोटो खींच लेता है। अबे इन्हें तो हमारी फोटो, इसको दाबो। वो भयंकर, तो कुछ ज्यादा कुछ खतरनाक लग रहा है। साइड कैमरामैन रुको, इसको घसीट के बाहर निकालता हूँ मैं। ओ भाई ये तो, इसको तो पकड़ना पड़ेगा, ये तो खतरनाक लग रहा है। गर्दन दबानी पड़ेगी इसकी तो पहले, थोड़ा सा अच्छे से। अब ये तो काबू में ही नहीं आ रहा है, ये तो वैसे काबू में नहीं आ रहा है। इसके लिए मुझे अपना एक स्पेशल हथियार निकालना पड़ेगा। ये आ चुका है गाइस मेरा खतरनाक हथियार। अभी बुलाता हूँ इसको बाहर अच्छे से बीन बजा के। नहीं ऐसे नहीं, इसको तो ऐसे बजाना था, सॉरी भूल गया। ये मुझे लग रहा है ये हथियार काम नहीं आ पाएगा, इसको हटाओ। ये कोई कपड़ा फटा क्या, जल्दी से कपड़ा धोया फटा। रुको ये लो, रुको रुको, इसको काबू में लेना पड़ेगा। तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हो। पहुंचे में आ गया साथ, पहुंचो। अरे भाई साहब ध्यान से देख के, नागिन तो नहीं नीचे ना, ना। भैया पकड़ लिया इसको, रुक जाओ। ये तो जहर उगल रहा है कतई, इसको बगल दो पहले। रेस्क्यू टीम एक बंदा चाहिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। इसको पकड़ लिया, ये फुकारे वाले फुकार, इसको ऐसे उठा के ले जाओ, ऐसे बाकी हम लोग जानवरों को रेस्क्यू करके ऐसे ही आप लोगों को सेफ रखना चाहते हैं। बाकी कहीं पे भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मैं हूँ मैंडी, स्नेक कैचर। नई वीडियो हमारी अब अगले नेक्स्ट टाइम पे नई वीडियो आएगी, जब हम कहीं और जाएंगे सांप पकड़ने के लिए। जितने भी हम लोग सांप पकड़ते हैं उनके रेस्क्यू करके जंगलों में छोड़ देते, कुछ पकड़ते नहीं। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अब कैमरा बंद हो गया क्या? हाँ कैमरा बंद है। चल मजा आ गया आज की वीडियो, बंद मजा आया। बंद कर देगा, बंद हो गया। कूटो अब इसको, आपको कूटो कूटो कूटो।